आशीष शर्मा मेकओवर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में। सो मैं तीन कंपनी के प्रोडक्ट आपको बताने वाला हूँ, लॉरियल का, शोस्कोफ का एंड वेला का। सो प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कौन से हेयर्स के ऊपर जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट की टाइमिंग कितनी होती है। सो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। लॉरियल की, लॉरियल के अंदर हमारी दो तरह की क्रीम आती है। एक आती है हमारी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट, दूसरी हमारी आती है रेसिस्टेंट। सो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हमारी जाती है अगर आपने हीना कराई, यानी कि आपके हीना कोटेड हेयर है उसके ऊपर जाएगी, अगर आपके हैवी हेयर है उसके ऊपर जाएगी, अगर आपके डाई वाले हेयर है। डाई वाले हेयर का मतलब है अगर आपके हेयर के ऊपर कलर की कोटिंग हो रही है। कोटिंग हमारी तीन नंबर की हो सकती है, दो नंबर की हो सकती है, एक नंबर की हो सकती है, या फिर बॉक्स वाले कलर की हो सकती है। सो लॉन्ग टाइम तक जब आप ये कलर करते हो तब आपके हेयर में कोटिंग हो जाती है, सो उसको हम बोलते हैं डाई वाला हेयर। सो इन सब के ऊपर जाएगी। साथ में अगर आपके कर्ली हेयर है या फिर एक्स्ट्रा कर्ली हेयर है या फिर हैवी हेयर है, सो इन सब हेयर्स के ऊपर आपकी जाएगी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट आपकी जाएगी अगर आपका फाइन हेयर है, पतला हेयर है, अगर आपका कलर्ड हेयर है, या फिर अगर आपके डैमेज हेयर है, एक लिमिट तक डैमेज हेयर है तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके वेवी हेयर है, अगर आपके स्ट्रेट हेयर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके कर्ली हेयर है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। सो ये दो कैटेगरीज में हमारी लॉरियल की क्रीम आती है, आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई कर सकते हो। वो है हमारी शोस्कोफ की। शोस्कोफ के अंदर हमारे तीन वेरिएंट आते हैं, 0, 1 एंड 2। सो 0 नंबर जो होता है वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग, 1 नंबर जो होता है वो हमारा होता है मीडियम, 2 नंबर जो होता है वो हमारा होता है माइल्ड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 नंबर के ऊपर। सो 0 नंबर की ट्यूब आपकी जाएगी अगर आपके हीना हेयर है, हैवी हेयर है, डाई वाले हेयर है, वेरी कर्ली हेयर है। सो अगर आपके इस कैटेगरी में हेयर आते हैं तो आपकी उसके ऊपर जाएगी 0 नंबर की ट्यूब। पहले नंबर की ट्यूब जो कि मीडियम है वो जाएगी आपके कलर्ड हेयर के ऊपर, कर्ली हेयर्स के ऊपर, फीजी हेयर्स के ऊपर। सो ये तीन तरह के हेयर है जिसके ऊपर आपकी जाएगी मीडियम वाली ट्यूब। अब हम बात करते हैं थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी माइल्ड। माइल्ड आपकी जाएगी फाइन हेयर्स के ऊपर, कलर्ड हेयर के ऊपर, डैमेज हेयर के ऊपर जो कि एक लिमिट तक डैमेज हो, और काफी ज्यादा पतले हेयर्स के ऊपर। सो ये तीन तरह की ट्यूब है और तीन तरह के हेयर की प्रॉब्लम्स है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्यूब को यूज कर सकते हैं। ट्यूब है वो है हमारी वेला की। वेला के अंदर हमारे दो वेरिएंट आते हैं, पहला हमारा आता है इंटेंस, दूसरा हमारा आता है माइल्ड। सो इंटेंस जो होता है वो हमारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, माइल्ड हमारा माइल्ड होता है। सो जो इंटेंस है वो हमारी जाएगी हीना हेयर्स के ऊपर, वर्जन हेयर्स के ऊपर, हैवी हेयर्स के ऊपर, डाई वाले हेयर्स के ऊपर, या फिर अगर आपका हेयर काफी ज्यादा फ्रीजी है उसके ऊपर जाएगी। सो अगर आपके हेयर में ये प्रॉब्लम्स है तो आप इंटेंस यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है माइल्ड। माइल्ड आपकी जाएगी काफी ज्यादा पतले हेयर्स के ऊपर, कलर्ड हेयर के ऊपर जो कि एक लिमिट तक कलर्ड हो, या फिर आपके काफी ज्यादा थिन हेयर है, या फिर वेवी के ऊपर, या फिर स्ट्रेट हेयर्स के ऊपर। सो अगर आपके हेयर में ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप माइल्ड यूज करोगे। सो ये दो कैटेगरी में डिवाइड है हमारी वेला की ट्यूब। हमारी तीन तरह की ट्यूब थी, अब हम बात करते हैं टाइमिंग के ऊपर। सो सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, जब भी आप हेयर में ट्यूब को अप्लाई करते हो तो जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो लूज होते हैं, वो ब्रेक नहीं होते हैं। अगर वो ब्रेक हो गए यानी कि बाल अगर टूट गया तो वो जुड़ेगा कैसे? सो वो लूज होते हैं, उसके बाद जब क्रीम अपना काम कर देती है तब वो जॉइंट हो जाते हैं। सो उसको लूज होना कहते हैं, ब्रेक होना नहीं कहते। सो ट्यूब की जो टाइमिंग होती है वो होती है हमारी बेसिकली 45 से 50 मिनट्स, जो कि लास्ट होता है इसकी टाइमिंग। का मतलब ये होता है कि आपने कोई ट्यूब अप्लाई करी हेयर के अंदर, अगर 45 से 50 मिनट्स के अंदर आपके बॉन्ड लूज नहीं हुए तो आपको दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी क्रीम। सो इसकी टाइमिंग ये होती है। बाकी जो भी हमारी चेक करने की टाइम होती है वो हमारा विजुअल चेक होता है हेयर के अकॉर्डिंग। सो माइल्ड को आप थोड़ा जल्दी चेक करते हो, स्ट्रॉन्ग को थोड़ा देर से चेक करते हो, सब आपका डिपेंड करता है विजुअल चेक के ऊपर। जो आपकी लास्ट टाइमिंग होती है वो हमारी होती है 45 से 50 मिनट्स। ये था मेरा स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग के प्रोडक्ट का रिव्यू। अगर आप चाहते हो कि मैं स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग का पूरा प्रोसीजर बताऊं कि आपको कैसे ट्यूब अप्लाई करनी है हेयर के अंदर जिससे कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिले, या फिर स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग के प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें डाली जाती है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट डाला जाता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।
हूँ।